Hello student, today we will study the chapter 5, Introduction to Built Geometry. Introduction to Euclid's Geometry. Euclid, हमारे one of the most famous mathematician, तो उनकी geometry के बारे में हम पढ़ेंगे. Introduction, the word geometry comes from the Greek word geo. ग्रीक वर्ड जियो, जियो मीन्स आपका अर्थ होता है, आपको सबको पता है, यू ऑल नो दैट. व्हाट डू यू मीन बाय जियो? मीनिंग द अर्थ. ओके. एंड मैट्रीन मीनिंग टू मेजर, यानी अर्थ की मेजरमेंट को हम ज्योमेट्री बोलते हैं. ओके. ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड ऑफ मेजरिंग लैंड. एक्चुअली ज्योमेट्री बना कैसे हैं ना, हमारी अर्थ की मेजरमेंट, यानी जब अर्थ की मेजरमेंट को मापने की जरूरत हुआ तो वहाँ पे ज्योमेट्री बनाए. दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वॉज स्टडीड एट वेरियस फॉर्म्स इन वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन. ओके. वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन, बहुत पुराने जमाने से ये प्रथा रहा है अर्थ को मेजरमेंट करना. बट इट इन इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, इनकेस एटसेट्रा, द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन फेस्ड सेवरल प्रैक्टिशिया ओके प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री इन वेरियस वेज. कुछ कंट्रीज है जैसे बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस एंड कंट्री लाइक इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, ओके, हैड फेस्ड मेनी ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम एंशिएंट मेथड. देन उन्होंने ट्राई किए, देन ट्राइड टू डेवलप ऑफ ज्योमेट्री इन वेरियस वेज. ठीक है. फ्रॉम एग्जाम्पल, वेन एवर द रिवर नाइल ओवरफ्लोड, इट वाइप्ड आउट अ बाउंड्रीज बिटवीन द एडजोइनिंग फिगर ऑफ डिफरेंट लैंड ओनर्स. आफ्टर सच फ्लोडिंग दिस बाउंड्रीज हैड टू बी रिटर्न. मतलब उस बाउंड्री को हमें फिर से रिटर्न करना था. फॉर दिस पर्पज द इजिप्टियन डेवलप्ड ए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक टेक्निक एंड रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल एरियाज एंड ऑल्सो फॉर द डूइंग सिंपल कंस्ट्रक्शन. और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इजिप्टियन ने कोशिश किया किस तरह से उस एरिया को कैलकुलेटिंग करेंगे. ओके. और सिंपल कंस्ट्रक्शन के द्वारा, एक कंस्ट्रक्शन बनाकर, एक ड्राइंग बनाकर, एक ग्राफ बनाकर उसको तैयार करेंगे. द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वॉज ऑल्सो यूज बाय देम कंप्यूटिंग वॉल्यूम ग्रेनरीज. तो इजिप्टियन के थ्रू ही इसको इम्प्रूवमेंट हुआ है. एंड फॉर कंस्ट्रक्शन कैनाल्स एंड पिरामिड दे ऑल्सो न्यू द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रैंक्यूटेड पिरामिड. ओके. पिरामिड को ड्रॉ करके उनका मेजरमेंट निकाल देते. यू नो दैट अ पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर. ओके. द बेस ऑफ विच इज अ ट्राइंगल और स्क्वायर इज सम अदर पॉलीगन एंड इट्स साइड फेसेस अ ट्राइंगल कन्वर्जिंग द पॉइंट एट ट्रॉमे. ओके. यानी यू नो दैट पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर. हमें पता है कि पिरामिड जो है सॉलिड फिगर है. द बेस ऑफ विच इज अ ट्राइंगल. आप पिरामिड को देखे होंगे गौर से, ध्यान से ना, तो उनका जो बेस होता है वो ट्राइंगुलर फिगर होगा. ट्राइंगल और स्क्वायर भी होती है, ट्राइंगल भी होती है, स्क्वायर होते हैं और सम अदर पॉलीगन भी होते हैं. एंड साइड फेसेस आर द ट्राइंगल कन्वर्जिंग टू पॉइंट ऑफ द टॉप में. इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द एक्सकवेशन एंड हरप्पा एंड मोहनजोदारो एटसेट्रा शो दैट इन द स्पेलिस सिविलाइजेशन About 3000 BCE made extensive use of geometry. It was a highly organized society. The cities were highly developed and very well planned. Cities जो शहर होते हैं बहुत ही develop किया गया था और well planned बनाया गया था. For example, the roads were parallel to other and there was an on underground design system. The houses and the many rooms of different types. तो जो हाउसेस था वो उन हाउसेस का जो रूम्स था बहुत डिफरेंट साइज था, अलग टाइप का. दिस शोज दैट द टाउन ड्वेल्स वेर स्किल्ड इन मेंचुरेशन एंड प्रैक्टिकल अरिथमेटिक. द ब्रिक्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वेर किल्न फायर्ड एंड रेशियो लेंथ ब्रेथ थिकनेस ऑफ द ब्रिक वॉज फाउंड. तो वो जो ईट कितने जरूरत होगा, उसका मेजरमेंट कितना आना चाहिए, ये सबको जो जरूरत पड़ा तो उसके लिए उन्होंने उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट का उन्होंने निकाला. ठीक है. जैसे रेशियो उन्होंने फाइंड कर दिया कि किस तरह से रेशियो करेंगे तो उनका जो परफेक्ट मेजरमेंट होगा और घर बनाएंगे. इन एंशिएंट इंडिया
The Salubhadra 800 BC to 500 BC were the manual of geometrical construction. The geometry of the Vedic period originated with the construction of altars, यानी वेदी से ही उन लोग का ज्योमेट्री निकाला गया. फायर प्लेस फॉर द परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स एंड द लोकेशन ऑफ द सेक्रेट फायर हैड इन द अकॉर्डियंस टू द क्लियरली लेट डाउन इंस्ट्रक्शन अबाउट देयर सेफ एंड एरियाज. इफ दे वेर इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स स्क्वेयर्स एंड सर्कुलर दीज वेर यूज टू हाउस होल्ड रिचुअल्स. इस तरह से उन्होंने रिचुअल में यूज करते थे. ठीक है. वाई altars whose shapes and combination of rectangles, triangles and trapezium were required for public worship. ये जो triangle, trapezium ये सब है ना public worship के लिए बना गया था. The Sriyantra given in Atharva Veda consist of 9 interwoven isosceles triangle. इसमें 9 interwoven isosceles triangle जो बना गया था उससे. And these triangles are arranged in such a way that produce 43 subsidiary triangles. So 43 subsidiary triangles उन्होंने बनाया था. Thou accurate geometric method. Okay, thou accurate geometric method were used for construction of altars. The principles behind the way them were not discussed. Okay, भले ही आपका geometric methods वहाँ पे use किया गया था construction के लिए. बट प्रिंसिपल्स बिहाइंड दे वेर नॉट डिस्कस. लेकिन उसके बारे में वहाँ पे डिस्कसिंग किया नहीं गया था. ठीक है. तो ये था. अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो थालेस के बारे में हम पढ़ेंगे. अ ग्रीक मैथमेटिशियन थालेस इज क्रेडिटेड विथ गिविंग द फर्स्ट नॉन प्रूफ एंड दिस प्रूफ वॉज स्टेटमेंट दैट ए सर्कल इज बाइसेक्टेड. ओके, तो यहाँ पे जो थालेस है इज क्रेडिटेड विथ गिविंग द फर्स्ट नॉन प्रूफ है. उन्होंने पहली प्रूफ उन्होंने दे दिया था जो मैथमेटिशियन थालेस है. दिस प्रूफ वॉज द स्टेटमेंट ऑफ दैट सर्कल इज बाइसेक्टेड. ओके, उन्होंने इस प्रूफ में ये बता दिया था कि जो सर्कल है वो आपको डायमीटर के द्वारा बाइसेक्टेड होते हैं. मतलब उसका जो डायमीटर है सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड कर देता है. वन ऑफ थालेस मोस्ट फेमस पीपल वॉज पाइथागोरस. तो थालेस का मोस्ट फेमस स्टूडेंट है, पीपल्समैन स्टूडेंट है, वो थालेस का ही स्टूडेंट है जिनका नाम है पाइथागोरस. आपका पाइथागोरस के बारे में आप सुने होंगे, पाइथागोरस थियोरियम जो बोलते हैं. ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ओके, परपेंडिकुलर स्क्वायर आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लोअर क्लास अबाउट द पाइथागोरस थियोरियम होम यू हैव ऑलरेडी अबाउट द पाइथागोरस एंड इज ग्रुप ऑफ डिस्कवर्ड मेनी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज एंड डेवलप द थियोरी ऑफ ज्योमेट्री टू ए ग्रेट एक्सटेंट. ऑफ थैलेस एंड पाइथागोरस बोथ. ओके, मोस्टली आपको पाइथागोरस एंड हिज ग्रुप ऑफ डिस्कवर्ड मेनी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज. पाइथागोरस और उनके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो कि बहुत सारे ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज उन्होंने डेवलप किया था एंड बहुत नाम कमाए थे. द प्रोसेस कंटिन्यूड 300 बी सी एट द टाइम यूक्लिड ओके ए टीचर ऑफ मैथमेटिशियन अलेक्जेंडेरिया इन इजिप्ट. ओके, तो एट दैट टाइम यूक्लिड ए टीचर ऑफ मैथमेटिशियन एट अलेक्जेंडेरिया इन इजिप्ट. इजिप्ट में एक टीचर थे जिनका नाम आपका यूक्लिड है. ओके, कलेक्टेड ऑल द नॉन वर्क एंड अरेंज्ड इट इन हिज फेमस ट्रीटिस. तो उन्होंने जितने सारे थ्योरी हैं उन्होंने अरेंज करके उन्होंने अपने बनाए और इस यूक्लिड की ज्योमेट्री के बारे में इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे. ओके, कर्ण एलिमेंट. ही डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर्स. उनके जो एलिमेंट है उन्होंने जो यूक्लिड ने उन्होंने डिवाइड किए थे 13 एलिमेंट में, उन्होंने इसके 13 चैप्टर में डिवाइड किए. इज कॉल्ड ए बुक. हर एक को हम बुक बोलते हैं. दीज बुक्स इन्फ्लुएंस्ड द होल वर्ल्ड इन अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्री फॉर जेनरेशन टू कम. यानी पूरी वर्ल्ड में एक इफेक्ट डाला, पूरी वर्ल्ड में ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए आज पूरे वर्ल्ड में उसी से ही ज्योमेट्री निकाले. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द यूक्लिड्स अप्रोच टू ज्योमेट्री एंड शैल ट्राई टू लिंक विद द प्रेजेंट डे ऑफ ज्योमेट्री. किस तरह से यूक्लिड ने अपने ज्योमेट्री थ्योरी निकाले थे अब उसको प्रेजेंट में कैसे यूज किया गया हम पढ़ेंगे. यूक्लिड ये हमारा साइंटिस्ट है,
look at this picture. And he was born 325 BC and dead 265 BC. Euclid's definition, axioms and postulate. आप ये जो axiom और postulate होता है बहुत ही important होती है for the geometry के लिए, आपको ध्यान रखना है. The Greek mathematician of Euclid's time thought of geometry as an abstract model of world in which they lived. The notions point, line, plane and so on were derived from the what was seen around them, from the studies of the space and solids in this space around them. An abstract geometrical notion of solid object were developed. Solid has a shape, size, position and can move from one place to another. Its boundaries are called a surface. These separate one part of space from another and said have to no thickness. The boundaries of this surface are curved and straight lines, these lines and in points. Okay, उसको points बोलते हैं. तो समझ में आया आपको surface क्या होता है? Solid shape, size, position and can be moved from one place to another. It is boundaries are called a surface. उसका जो boundaries होता था उसको surface बोलते थे. And the separate one part of the space of another and are said to be the thickness. ओके, द बाउंड्री ऑफ द सर्फेस आर कर्व. अगर जो अगर जो सर्फेस की बाउंड्री अगर कर्व्स और द लाइन्स होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, सीधा भी होती है और टेढ़ी भी होती है. दिस लाइन एंड इन पॉइंट, ये जो लाइन आपको जाता है लास्ट में पॉइंट में ख़त्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट्स. कंसिडर द थ्री स्टेप्स फ्रॉम द सॉलिड टू पॉइंट्स. इन ईच स्टेप वी लॉस वन एक्सटेंशन, ऑल्सो कॉल्ड ए डायमेंशन. हम उसको डायमेंशन बोलते हैं. डायमेंशन मतलब जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट है तो उसकी पूरी कंप्लीट फिगर को डायमेंशन बोलेंगे. सो ए सॉलिड हैज थ्री डायमेंशन, ए सरफेस हैज टू. सॉलिड का आपको थ्री डायमेंशन आएगा, सरफेस का टू आएगा. एंड लाइन हैज वन एंड पॉइंट हैज नॉन. पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं होता है, लाइन में टू होती है और सरफेस में आपको टू होती है. लाइंस में वन होती है, सरफेस में टू एंड आपको सॉलिड में आपको थ्री होती है. Euclid summarized these statements as definition. He began in exposition by listing 23 definitions in the book number 1 of the element. A few of them given below. A point is that which has no part. Point वो है जिसमें आपको कोई part नहीं होता है. Point मतलब एक बिंदी होता है जिसका कोई part नहीं होता है. A line is breathless length. Line जो होता है breadth, इसमें breadth नहीं होता है, सिर्फ एक लंबा सा लाइन हो जाती है, इसमें ब्रेथ नहीं होती है, जैसे ब्रेथलेस लेंथ. द एंड्स ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स. आपका जो लाइन का एंड जहाँ ख़त्म होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट. एट स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज लेवनली विद द पॉइंट्स वन इट सेल्फ. ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. सरफेस जिसमें आपको लेंथ ब्रेथ होती है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, लाइन, ये सब आपका लेंथ ब्रेथ होती है. द एड्स ऑफ द सर्फेस आर लाइन. आपको सर्फेस का जो एड्स होता है उसको हम लाइन बोलते हैं. जैसे स्क्वायर का एड्स जो होता है दैट इज कॉल्ड ए लाइन है. ए प्लेन सर्फेस इज ए सर्फेस विच लाइज इवेंटली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स सेल्फ. ओके, तो ये जो रूल्स है ये रूल्स को आपको लर्न करना है. हम नेक्स्ट पार्ट में और भी रूल्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ओके, यूक्लिड्स जो मैथमेटिशियन है उनके सिर्फ रूल्स एंड पोस्टुलेट एंड एक्सियम्स, दिस ऑल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. वही पढ़ना आपको जरूरी है. ओके, और इस चैप्टर में खास नहीं है. मैं आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन नेक्स्ट टू वीडियोस. ओके,